यहाँ से हम सेक्शन को कट करेंगे तो यहाँ पे एच सी लेट्स से बी सी यहाँ पे क्रिएट होगी और यहाँ पे हमने लोड टेस्ट किया हुआ है। अब देखें इस सेक्शन को कट करने से पहले आप सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस करेंगे। अब चूंकि लोड हमारा सपोर्ट के ऊपर अप्लाइड है तो ए वाई वन होगा, यहाँ पे बी वाई जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि हमने सपोर्ट के ऊपर लोड प्लस किया हुआ है इसलिए बी वाई ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। अब ये वन है और लेट से ये डिस्टेंस हमारा आप एक्स कह लें या लेट से ये हमारे पास 2.5 डिस्टेंस है, हमने 2.5 के ऊपर सी लोकेटेड है, ये हमारे पास 1 है। अब जब हम समिशन ऑफ सॉरी यहाँ पे एक 1 का लोड ये भी अप्लाइड है, ठीक हो गया। अब जब हम समिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस करेंगे, लेट्स से समिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस अपर डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये 1 का अपर डायरेक्शन में है पॉजिटिव होगा, ये 1 का डाउनवर्ड डायरेक्शन में है नेगेटिव होगा, और ये VC डाउनवर्ड डायरेक्शन में है नेगेटिव इज इक्वल टू 0, 1 1 से कैंसिल हो जाएगा VC 0 आ जाएगा, तो X इज इक्वल टू 0 VC की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर हम एक और केस कंसीडर करेंगे, नेक्स्ट केस में हम इस लोड को यहां से रिमूव करेंगे, ये हमारे पास डी वाई है। अब लेट्स से हम लोड को प्लेस कर रहे हैं एट 2.5 फीट 1, ठीक हो गया। अब यहां पे हम सबमिशन ऑफ मूवमेंट्स अबाउट पॉइंट ए लेंगे तो बी वाई इंटू डिस्टेंस, हमने बी वाई और ए वाई की वैल्यूज फर्स्ट मेजर करनी है, तो बी वाई इंटू डिस्टेंस 10, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, माइनस 1 इंटू डिस्टेंस 2.5, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, या हमारे पास बी वाई विल बी इक्वल टू 2.5 ओवर 10 या बी वाई विल बी इक्वल टू 0.25। अब बी वाई हमारे पास 0.25 है, हम समिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस करेंगे तो ए वाई हमारे पास 0.75 आ जाएगा। अब हम दोबारा यहां से सेक्शन को कट करेंगे, जब सेक्शन को हम कट करेंगे तो अब यहां पे ए वाई की वैल्यू कितनी है 0.75 है, हमने वी सी को यहाँ पे मेजर करना है और यहाँ पे हमने जस्ट बिफोर द लोड ये कट किया है तो ये 1 यहाँ पे नहीं आएगा। अब समिशन ऑफ वर्टिकल फोर्स आप इस केस के लिए कंसीडर करें, वी सी ऑटोमेटिकली यहाँ पे 0.25 आ जाएगा और कितना आएगा माइनस में आएगा क्योंकि ये अपर डायरेक्शन में है, नहीं सॉरी यहाँ पे ये 1 लोड कंसिडर होगा, हमने 2.5 के ऊपर सेक्शन को कट किया है तो समिशन ऑफ अगर हम वर्टिकल फोर्सेस लेंगे, सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस अपर डायरेक्शन पॉजिटिव, एफ वाई हम अपर डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं तो 0.7 एफ अपर डायरेक्शन में है पॉजिटिव होगा, माइनस 1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, माइनस वी सी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, या हमारे पास ये माइनस 0.25 आएगा, माइनस वी सी इज इक्वल टू 0 या वी सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे माइनस 0.25 आएगी, तो एक्स इज इक्वल टू 2.5, एक्स इज इक्वल टू 2.5 के ऊपर वी सी की वैल्यू माइनस 0.25 आएगी, 0.25, ठीक हो गया, माइनस में आएगी। तो इसी तरह हम हर एक पॉइंट के लिए इस लोड को मूव करते जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये टेबल कंस्ट्रक्ट होगी, ठीक हो गया, एक्स 0 के ऊपर 0 थी, वी सी
माइनस 2.5 के, अच्छा यहाँ पे देखें अब यहाँ पे टू केसेस होंगे ठीक हो क्या। अगर हम 2.5 फीट इस पॉइंट से इधर कंसिडर करें तो यहाँ पे वी सी की वैल्यू माइनस 0.25 आई है। जब हम इसको यहाँ से कट करें और ये सेगमेंट कंसिडर करेंगे ठीक हो क्या, तो इस केस में वी सी की वैल्यू 0.75 आएगी, क्योंकि यहाँ पे बी वाई 0.25 है, ये 1 का लोड है, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे वी सी की वैल्यू 0.75 आ जाएगी। 2.5 प्लस के ऊपर 0.25 आएगी, 2.5 माइनस के ऊपर इसकी वैल्यू माइनस 0.25 आएगी। ये ऐसे ही है, जब हम सेगमेंट को यहाँ पे कट कर रहे हैं, ये यहाँ पे लोड अप्लाई था और ये पॉइंट सी था, यहाँ से सेक्शन को कट किया है, तो एक दफा हम ये वी सी हम कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे 0.75 इसकी वैल्यू है, फिर हम इस सेगमेंट को कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे भी वी सी की वैल्यू हम मेजर करेंगे, तो ये साइड हमारी माइनस में हम कंसिडर कर रहे हैं और यहाँ पे एक्स की वैल्यू माइनस 0.25 है और ये साइड हम पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पे जो है इसके ऊपर एक्स की वैल्यू प्लस 0.25 है, प्लस माइनस यहाँ पे ये जस्ट इंडिकेट कर रहे हैं कि जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सी हम माइनस लिख रहे हैं, टू द राइट ऑफ सी हम प्लस लिख रहे हैं। तो हम हर एक पॉइंट के ऊपर इसको कंसीडर करते जाएंगे तो हमारे पास ये टेबल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी ठीक हो गया। ये प्रीवियसली जिस तरह हम कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही होगा, इसके 2-3 पॉइंट स्टार्ट में मैंने आपको कैलकुलेट करके दिए हैं। अब यहाँ पे हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करें तो एक्स जीरो के ऊपर वी सी जीरो है ठीक हो क्या, एक्स माइनस 2.5 के ऊपर वी सी की वैल्यू माइनस 0.25 है, तो यहाँ पे ये सेगमेंट जो होगा नेगेटिव आ जाएगा, फिर वी सी की वैल्यू प्लस 0.25 के ऊपर 0.75 है और एक्स इज इक्वल टू 10 के ऊपर इसकी वैल्यू जीरो है। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे इस बीम के लिए फॉर द शियर एट पॉइंट सी टू सेगमेंट्स बन रहे हैं ठीक हो क्या। जिस तरह हम मैंने आपको बताया था यहाँ पे लोडिंग हो, जहाँ पे चेंज इन द शियर और चेंज इन द बेंडिंग मोमेंट हो, वहाँ पे आप टू सेगमेंट्स बना लेंगे, ज्यादा सेगमेंट्स बना लेंगे, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी दो सेगमेंट्स बनेंगे। अभी दोनों की अलग अलग इक्वेशंस हम प्लॉट करेंगे ठीक हो क्या। एक केस हमने यहाँ पे कंसिडर किया है जब एक्स हमारा जीरो से 2.5 से लेस है, जीरो या जीरो से ग्रेटर और 2.5 के लेस ठीक हो क्या। ये हमारे पास इस सी से जस्ट बिफोर द लेफ्ट है या जहां से कर्सर है इसके लेफ्ट के ऊपर है, तो इस केस में हमारी जो ए वाई की इक्वेशन बनेगी ठीक हो क्या। अब हम समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस करें तो हमारे पास ए वाई यहाँ पे सॉरी अगर हम एक जनरल इक्वेशन कंसीडर करें पहले हम एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम पॉइंट ए हम यूनिट लोड अप्लाई करें और ए वाई की वैल्यू मेजर करना चाहें, ये हमारे पास बी वाई है। हम समीशन ऑफ वर्टिकल हम समीशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट पॉइंट डी लें तो ए वाई इंटू 10 ये हमारे पास नेगेटिव होगा और 1 इंटू 10 माइनस एक्स ये पॉजिटिव होगा। ये हम प्रीवियसली कर चुके हैं इसलिए मैं दोबारा इसको एक्सप्लेनिंग कर सक रहा। ये 1 का लोड है, ये ए वाई है, हम इस पॉइंट बी वाई के अगेंस्ट समीशन ऑफ मोमेंट्स ले रहे हैं, तो यहाँ पे ए वाई की वैल्यू जो आएगी ये पॉजिटिव आएगी, ए वाई की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस एक्स ओवर 10 आएगी, तो ए वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 10। अब हमने यहाँ पे सेक्शन को कट किया है तो 1 माइनस एक्स ओवर 10 यहाँ पे सेक्शन को कट किया है, तो इसके लिए हम VC की यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करें तो यहाँ पे जो VC की इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास इस सेगमेंट के लिए माइनस 1/10x बनेगी ठीक हो क्या। आप सिंपली यहाँ पे समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस कर लें इस सेगमेंट के लिए तो आपको VC = -1/10 आ जाएगा। फिर हम
सेकंड केस कंसीडर करेंगे जहां पे x हमारा 2.5 फीट से ग्रेटर होगा और 10 फीट के इक्वल या उसके लेसर होगा, ठीक हो गया। उसके लिए हमारी VC की वैल्यू हमारी 1 - 1/10x आएगी, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारा तो अब यहाँ पे हम इस सेगमेंट को कंसीडर करेंगे और VC की वैल्यू यहाँ पे हम प्लॉट कर लेंगे, ठीक हो गया। ये हम प्रीवियसली यहाँ टेबल से भी कर चुके हैं, ठीक हो गया। अगर हम इसको कंसीडर करें, x यहाँ पे 0 पुट करें तो हमारी वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगी, और x हम 2.5 पुट करें तो x की वैल्यू -0.25 आएगी। और इस इक्वेशन के लिए हम अगर x की वैल्यू 0 पुट करें तो VC की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ पे ये टोटल जो मैग्नीट्यूड है 1 है, ठीक है, -0.25 से 0.75 तक। इसी तरह हम अगर x की वैल्यू 10 पुट करें, ठीक हो गया, तो 10 over 10 1 - 1, यहाँ पे इसकी वैल्यू VC की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक हो गया। इट मीन्स दैट कि हमारे पास फॉर द शियर एट पॉइंट सी हमारी जो इन्फ्लुएंस लाइन इक्वेशन आई है वो ये आई है, ठीक हो गया। दो सेगमेंट्स बने हैं, हमने हर एक के लिए इक्वेशन बना ली है, ठीक हो गया। सेक्शन हमने कट किए हैं, सेक्शन की मदद से भी बना सकते हैं, या जब हम यूनिट लोड को मूव करते जाएंगे टेबल बनाएंगे तो टेबल की मदद से अभी हम इसको ड्रा कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे आए, ये हमारे पास सेम वही बीम है, ठीक हो गया। हम इसके लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर द वीसी कैलकुलेट करके आए हुए हैं पीछे। अब हमने अब उसने हमें लोडिंग दे दी है, उस लोडिंग के अगेंस्ट पॉइंट सी के ऊपर उसने हमें मैक्सिमम मूवमेंट मैक्सिमम शियर को कैलकुलेट करने को कहा है। अब देखें जो मैक्सिमम शियर यहाँ पे होगी वो डेफिनेटली इस पॉइंट के ऊपर होगी, ठीक हो क्या। जब हम लोड्स को इस पॉइंट के ऊपर प्लेस करेंगे तो हमारी शियर की वैल्यू एट पॉइंट सी मैक्सिमम आएगी, ये हमें इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम से पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास टू लोड्स हैं, एक पॉइंट लोड है, ठीक हो गया, और एक हमारे पास यूडीएल है। हम दोनों को अलग अलग कंसीडर करके एंड पे इनका सम कर लेंगे। अब सिंपली मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फोर्स मल्टीप्लाइड भी मैग्नीट्यूड ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन करेंगे तो हमारे पास शियर एट दैट पॉइंट आ जाएगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इन्फ्लुएंस यहाँ पे 0.75 है, मल्टीप्लाइड बाय फोर्स यहाँ पे 4000 है, तो यहाँ पे VC की वैल्यू 3000 पाउंड आ जाएगी। लेकिन सेकंड हमारा जो केस है वो यूडीएल का है। अब यूडीएल के केस में हमने पढ़ा था कि यूडीएल के केस में एरिया ऑफ द इन्फ्लुएंस लाइन, ठीक हो गया, एरिया हम कैलकुलेट करेंगे फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे एरिया को हम फोर्स के साथ, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द शियर आएगा। तो यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करने के लिए इस ट्रायंगल का एरिया 1/2, हाइट जो है 0.75 है और बेस जो है 10 से 2.5 माइनस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इसका एरिया कैलकुलेट करना है क्योंकि इस रीजन में शियर मैक्सिमम है। तो ये हमारा 10 - 2.5 7.5 आएगा और इनटू हाइट जो है 0.75 है, इनटू लोड 2000 है, तो ये हमारे पास VC फॉर द यूनिफॉर्म लोड आ गई है। मैक्सिमम शियर को हम दोनों को इनको आपस में ऐड कर लेंगे, ठीक हो गया, तो ये हमारे पास मैक्सिमम शियर एट पॉइंट सी आएगी। और लोड की पोजीशन हमें क्या पता चल रही है कि जब हम लोड को इस बीम के ऊपर इस तरह पोजीशन करेंगे कि 4000 का लोड एट पॉइंट सी होगा और 2000 का लोड जो होगा पॉइंट सी से पॉइंट बी तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो इस केस में पॉइंट सी के ऊपर जो शेयर होगी वो मैक्सिमम होगी और उसकी वैल्यू हमारे पास ये है। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर।
अब हम ये हमारा लास्ट टॉपिक है, हम यहाँ पे देखेंगे कि ड्यू टू सीरीज ऑफ लोड हम मैक्सिमम इन्फ्लुएंस काउंट करेंगे, ठीक है। क्या प्रीवियसली हम एक सिंगल लोड को कंसीडर कर रहे थे, यहाँ पे जैसे एक ट्रेन हो, ट्रेन के डिफरेंट कार्स हैं, उसके डिफरेंट डब्बे हैं, हर डब्बे का अपना लोड होगा, ये एक मल्टी एक्सल गाड़ी है जिसके काफी सारे एक्सल हैं, टायर हैं, हर टायर का अपना एक लोड होगा, तो सीरीज ऑफ लोड की वजह से जो मैक्सिमम इन्फ्लुएंस होगा अब हमने उसको कंसीडर करना है। लेट्स से हमारे पास एक 40 फीट की बीम है, ठीक हो गया, एट पॉइंट सी हमने इन्फ्लुएंस को कैलकुलेट करना है, तो ये हम इन्फ्लुएंस फॉर द सी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक हो गया। ये कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये हमारे पास स्पैन एल है, ठीक हो गया। अब एल चाहे जितना भी वैल्यू हो जाए, हम जब यूनिट लोड के अगेंस्ट यहाँ पे इन्फ्लुएंस लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा यही होगी, लेकिन ये ऑर्डिनेट जो होंगे एक्स एक्सिस की वैल्यू जो होगी ये चेंज होती जाएगी। प्रीवियसली ये 2.5 थी, यहाँ पे 10 फीट है, ठीक हो गया। प्रीवियसली ये 10 फीट थी, यहाँ पे 40 फीट है, ठीक हो गया। लेकिन एक डायग्राम अगर आप यहाँ पे भी कंस्ट्रक्ट करना चाहें, यहाँ पे वन को प्लेस करें, 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 तो आपके पास ये इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम रहेगा। अब हमारे पास केस ये है कि हमने हमारे पास ये एक सीरीज ऑफ लोड है, ये गाड़ी यहाँ से पास हो रही है जिसके 3 एक्सल हैं, यहाँ पे 1K का लोड है, 1 किलो पाउंड का लोड है, यहाँ पे 4K का लोड है, यहाँ पे 4K का लोड है, इनका आपस में डिस्टेंस 5 फीट और 5 फीट है, ठीक हो गया। हमने इनकी वजह से मैक्सिमम इन्फ्लुएंस एट द पॉइंट सी मेजर करना है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो इशू है, ठीक हो गया, अब हमने कॉम्बिनेशन बनाना है कि इन तीन लोड में से कौन सा लोड कॉम्बिनेशन जो होगा, कौन सा लोड पॉइंट सी के ऊपर प्लेस हो ताकि मैक्सिमम शेयर यहाँ पे प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। हम अब हम यहाँ पे हमारा प्रोसीजर क्या होगा, हम वन बाई वन इन लोड को पॉइंट सी के ऊपर प्लेस करेंगे, तो हम देखेंगे कि किस लोड के अगेंस्ट, किस केस के अगेंस्ट यहाँ पे मैक्सिमम शेयर प्रोड्यूस हो रही है। ये ऐसे ही है कि आपने गाड़ी को यहाँ से मूव कराया, ये गाड़ी मूव करती हुई आई यहाँ पे, और ये इस पॉइंट के ऊपर आके अब 1K का लोड यहाँ पे पहुंच गया है। जब 1K का लोड यहाँ पे पहुंचा है तो आप शेयर, इसका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम प्लॉट करेंगे, शेयर फोर्स डायग्राम प्लॉट करेंगे। फिर ये आगे चली गई है, अब इस पॉइंट के ऊपर सी के ऊपर 4K का लोड आ गया है, ठीक हो गया। इसी तरह फिर ये आगे चली गई है और लास्ट वाला 4K है, ये लोड यहाँ पे आ गया है। तो ये कैसे यहाँ पे डिफाइन है, इस गाड़ी ने मूव किया है तो केस 1 के अंदर 1 का लोड जो है वो पॉइंट सी के ऊपर आ गया है, केस 2 के अंदर ये 1 का लोड आगे चला गया है और 4K का लोड यहाँ पॉइंट सी के ऊपर आ गया है, फिर थर्ड केस में ये लोड आगे मूव कर गया है और लास्ट वाला जो 4K है वो लोड यहाँ पे आ गया है। अब ये 3 केसेस हैं, इन 3 केसेस के अंदर हम मैक्सिमम शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब देखें केस 1 के केस में 1 का लोड यहाँ पे था और 4 का लोड फ्रॉम द पॉइंट सी एट अ डिस्टेंस 5 फीट था, ठीक हो गया। तो 5 फीट के ऊपर अगर हम सिंपली इन्फ्लुएंस लाइन का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहें यहाँ पे, तो इस इन दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करेंगे, एक हमारे पास बिग ट्राइंगल होगी, एक हमारे पास ये ट्राइंगल होगी, तो बाई कंपेयरिंग ट्राइंगल्स आप ये हाइट फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह इसके फिर फर्दर 5 फीट के ऊपर ये 4K का लोड होगा, यहाँ पे भी अगर आप इन्फ्लुएंस लाइन का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो आप ट्राइंगल्स को कंपेयर कर लें, एक हमारे पास ये ट्राइंगल बनेगी, एक हमारे पास ये ट्राइंगल बनेगी, तो ये मैग्नीट्यूड भी आपको कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक हो गया। मैं ये प्रीवियसली भी आपको काफी दफा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, थोड़ा सा मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हमारे पास एक ट्राइंगल हो, इसकी बेस लेट से 10 फीट ये भी हमें पता हो, इसकी हाइट ये भी हमें पता हो, तो हम किसी भी पॉइंट के ऊपर हम इसका मैग्नीट्यूड अगर एक्स ये फाइंड करना चाहें तो सिंपली बाय कंपेयरिंग ट्रायंगल्स हम फाइंड कर सकते हैं। अब लेट से ये जो डिस्टेंस है ये 8 फीट है, ठीक हो गया, यहाँ से यहाँ तक, तो एक्स ओवर हाइट ओवर बेस या हाइट ओवर स्पैन लेंथ, और इसी तरह
ये इस ट्राइंगल के लिए था, फिर होल ट्राइंगल के लिए हम कंसिडर करेंगे, उसके लिए हाइट 5 है और डिस्टेंस 10 है। तो यहाँ से x या इसकी हाइट जो होगी वो हम आसानी से यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो सिमिलर यहाँ पे भी हम ये मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे। तो फॉर द केस वन जो शेयर होगी, अब शेयर के लिए मैंने आपको बताया है कि सिंपली हम लोड मल्टीप्लाइड भी मैग्नीट्यूड ऑफ इन्फ्लुएंस करेंगे। 1 मल्टीप्लाइड भी 0.75 प्लस 4 मल्टीप्लाइड भी 0.65 प्लस 4 मल्टीप्लाइड भी 0.5, ये केस वन बनेगा। 1 इंटू 0.75, 4 इंटू 0.625, 4 इंटू 0.5, तो 5.25 किया आया है। फिर केस टू को हमने कंसिडर किया है, तो केस टू के अंदर 1 का लोड आगे मूव कर रहा है फ्रॉम द पॉइंट सी 5 फीट आगे आ गया है, क्योंकि जब 4K को हमने पॉइंट सी के ऊपर लाना है तो 4K और 1 के दरमियान 5 फीट का डिस्टेंस है, इसलिए 1K को 5 फीट आगे जाना चाहिए। तो ये लोड यहाँ पे आ गया है, अब यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड करेंगे 4K और 4K। तो केस टू के अंदर हमारा अब 1 जो है ये माइनस के मैग्नीट्यूड में चला गया है और 4 पॉजिटिव पे है, ये 4 पॉजिटिव पे है, ठीक है। सिंपली लोड ये हमारे पास है मल्टीप्लाइड भी मैग्नीट्यूड ऑफ इन्फ्लुएंस डायग्राम, लोड 4K है और इन्फ्लुएंस लाइन का जो मैग्नीट्यूड है वो 0.75 है, इसी तरह लोड 5 है और इसी तरह एक मैग्नीट्यूड हमारे पास 0.625 है। केस 3 के अंदर लास्ट वाला 4K हमारा यहाँ पे आ जाएगा और ये दोनों आगे मूव कर जाएंगे। अब 1 मल्टीप्लाइड भी 0 होगा, 4K मल्टीप्लाइड भी माइनस 0.125 होगा और 4K मल्टीप्लाइड भी 0.75 होगा। 1 इंटू 0, 4 इंटू माइनस 0.125, 4 इंटू 0.75, 2.5 आया है। अब इन तीनों केसेस में जो मैक्सिमम शेयर की वैल्यू आई है वो पॉइंट वो फॉर द केस 2 आई है, ठीक हो गया, 5.375K। इसका मतलब ये है इन इस ये जो सीरीज ऑफ लोड हैं, ठीक हो गया, ये इस तरह पॉइंट सी के ऊपर प्लेस हों कि जो 4K का लोड हो ये पॉइंट सी के ऊपर हो, तो यहाँ पे जो शेयर होगी मैक्सिमम होगी, ठीक हो गया। अच्छा, एक हमारे पास ये मेथड था, ठीक हो गया, लेकिन ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड है। हमने हर एक केस को कंसिडर किया है, हमने हर एक लोड को पॉइंट सी के ऊपर मूव किया है, तो तब हम जाके हमने मेजर किया है कि कौन सा केस मैक्सिमम है, कौन सा केस क्रिटिकल है। लेकिन आप कंसिडर करें कि एक लॉन्ग स्पैन ब्रिज है, ठीक हो गया, 300 मीटर उसकी स्पैन है, और एक बड़ी रेल या अलॉट ऑफ व्हीकल्स वहां से पास हो रही हैं, तो उस केस में ट्रायल मेथड यूज करना मुश्किल है, ठीक हो गया। हर एक सिंगल लोड को उस पॉइंट के ऊपर मूव कराना, उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना, ये डिफिकल्ट टास्क है। फिर हमारे पास एक सेकंड मेथड है, इस मेथड के अंदर हम चेंज इन शेयर मेजर करते हैं, ठीक हो गया। यहां पे नोट करें, यहां पे अच्छा देखिए, यहाँ पे अगर जैसे हम इस पॉजिटिव शेयर के मैक्सिमम केस को छोड़ के हम आगे की तरफ मूव करेंगे, इट मींस दैट कि अब इस रीजन में जब हमारे लोड पहुंचेंगे तो हमारी शेयर की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, में कम होती जाएगी, ठीक हो गया। इसका मतलब क्या है, हमें ये जो चेंज इन शेयर है ये लोकेट करना होगा, जहाँ पे ये शेयर चेंज हो रही होगी वहां पे क्रिटिकल शेयर हमें मिलेगी, ठीक हो गया। ये आप सिंपली शेयर फोर्स डायग्राम से भी मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आपने शेयर फोर्स डायग्राम प्लॉट किया है और लेट से ये हमारे पास शेयर फोर्स डायग्राम है, तो यहाँ पे चेंज इन शेयर आ रहा है, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, यहाँ पे ये शेयर का चेंज आया है, वहां पे आपको ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए कि यहाँ पे शेयर मैक्सिमम होगी। और यही केस बेंडिंग मोमेंट का होता है, यहाँ पे आके मोमेंट चेंज हो रहा होता है, ठीक है, उस ही रीजन में कहीं पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू लाई कर रही होती है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे हमें
ये चेंज को डिटेक्ट करना होगा कि ये चेंज कहां पे आ रही है। तो चेंज को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? अब चेंज इन शेयर इज इक्वल टू लोड इनटू द स्लोप मल्टीप्लाइड विद ऑर्डिनेट ऑफ द डिस्टेंस। अच्छा थोड़ी सी हम ये थ्योरी पढ़ लेते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा, फिर मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। When many concentrated load acts on the span, the trial and error computation used above can be tedious. Instead, the critical position of loads can be determined in a more direct manner by finding the change in shear, which occurs when loads move from case 1 to case 2 and then from case 2 to case 3 and so on. ठीक है, क्या हमारे केस को आगे लेके चलेंगे, जिस केस के अंदर वो चेंज डिटेक्ट होगी, ये चेंज इन शेयर नेगेटिव जिस केस में आएगी वो केस क्रिटिकल होगा। एज लॉन्ग एज द डेल्टा वी इज पॉजिटिव द न्यू पोजीशन विल यील्ड अ लार्जर शेयर इन द बीम एट सी देन द प्रीवियस पोजीशन। ईच मोमेंट इज इन्वेस्टिगेटेड अंटिल अ नेगेटिव चेंज इन शेयर इज कंप्यूटेड। व्हेन दिस अकर्स द प्रीवियस पोजीशन ऑफ लोड विल गिव द क्रिटिकल वैल्यू। The change in shear for a load P that moves from position X1 to X2 over a beam can be determined by multiplying P, that is the load, by the change in the ordinate of influence line, that is Y2 minus Y1, if the slope of the influence line is S. ठीक हो गया। अब यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है? Let's say ये हमारे पास इन्फ्लुएंस लाइन है और लेट से ये हमारे पास लोड्स हैं, हम इनको मूव कराते जाएंगे। ठीक हो गया। एक पॉइंट आएगा कि ये चेंज इन स्लोप यहाँ पे नोट करेंगे, यहाँ पे एक यूनिफॉर्म एक ही स्लोप है। ठीक हो गया। तो ये चेंज यहाँ पे मूव करेंगे, यहाँ पे ये चेंज आएगी वहां पे शेयर मैक्सिमम होगी। ठीक हो क्या। अब स्लोप की इक्वेशन क्या होती है? स्लोप इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन और एक्स टू माइनस एक्स वन। ये एक वेल नोन इक्वेशन है जो आपने मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। अब हमारे पास ये जो चेंज होती है इसको मेजर करने का जो मेथड है, दैट इज डेल्टा वी इज इक्वल टू लोड पी मल्टीप्लाइड बी स्लोप। ठीक हो गया, एस। अब यहां से अगर हम मेजर करें स्लोप एस किसके इक्वल है, अगर हम इसको देखें, सॉरी ये एस नहीं होगा, ये चेंज इन शेयर होगी, यहां पे चेंज इन द ऑर्डिनेट ऑफ द इन्फ्लुएंस लाइन होगा। फॉर एग्जाम्पल पहले हम यहां पे थे, चलो मैं इसको रीड्रा कर लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल पहले हम यहां पे थे, लेट से ये डिस्टेंस हमारा वाई वन था। हाँ जी मोहम्मद असगर, अब लेट से जी लेट से हमारे लोड आगे की तरफ मूव। अब अच्छा यहाँ पे जो V की वैल्यू है, लेट्स दैट इज V1, हमने लोड आगे मूव किए हैं, हम एक न्यू वैल्यू के ऊपर आए हैं। यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस लाइन का ऑर्डिनेट है ये Y2 है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो V2 है। अब यहाँ पे जो चेंज होगी, ठीक हो गया, चेंज इन शेयर डेल्टा वी होगी, वी टू माइनस वी वन होगी, वो सिंपली लोड पी, ठीक हो गया, मल्टीप्लाइड भी ये डिस्टेंस वाई होता है, क्योंकि हम शेयर जो मेजर कर रहे हैं इन्फ्लुएंस लाइन का मैग्नीट्यूड इसको हम यहाँ पे वाई से डिनोट कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड भी फोर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो अगर हम चेंज को वो कर रहे हैं तो यहाँ पे जो वाई डिस्टेंस बनेगा वो
अब कितना हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम द y1, y2 माइनस y1 करेंगे, ठीक हो गया। हम पहले यहाँ पे थे, हम यहाँ पे आए हैं, तो y1 माइनस y2 पे आए हैं, तो इट मींस दैट के चेंज इन शियर विल बी इक्वल टू p इंटू y2 माइनस y1, ठीक हो गया। अब अगर हम देखें y2 माइनस y1 ये हम कैसे मेजर करेंगे, हमारे पास स्लोप s जो होती है दैट इज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, हमने y2 माइनस y1 की वैल्यू मेजर करनी है तो दैट विल बी इक्वल टू s इनटू x2 माइनस x1। तो अब इसको हम मेजर मल्टीप्लाई करेंगे p के साथ, तो हमारे पास ये डेल्टा v की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया, तो डेल्टा v विल बी इक्वल टू p इनटू s इनटू x2 माइनस x1। अब x2 और x1 जो है ये ऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस या x एक्सिस के पॉइंट्स हैं, ठीक हो गया। हम यहाँ पे पहले यहाँ पे थे, तो यहाँ पे जो x डिस्टेंस था ये x1 था, यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे x डिस्टेंस x2 है, ठीक हो गया। तो ये हमें पता होंगे। इसी तरह जो चेंज इन मूवमेंट होगा, ठीक हो गया, अच्छा सॉरी, जहां पे अब एक मैग्नीट्यूड चेंज होगा, यहाँ पे एक ड्रॉप आएगा, वहां पे सिंपली चेंज इन शियर जो होगा p इंटू वाई टू माइनस वाई वन होगा, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल हम मूव करते करते हम इस पॉइंट के ऊपर पहुंचे हैं, तो यहाँ पे एक सडन जंप है, ठीक हो गया, यहाँ पे स्लोपिंग लाइन खत्म हो गई है, यहाँ पे एक जंप आएगा, हम इस पीक से इस नेगेटिव पीक पे आ जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये एक जंप जो होगा ये वाई लेट से वाई टू है और ये पॉइंट लेट से वाई वन है, तो यहाँ पे जो चेंज इन शेयर होगा सिंपली वाई टू माइनस वाई वन इंटू पी होगा। इसी तरह इसी तरह मूवमेंट के केस में भी यही होगा कि चेंज इन मूवमेंट विल बी इक्वल टू पी एस इनटू एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक हो गया। ये हम इन्फ्लुएंस लाइन फॉर द मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके ऊपर ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे। अब ये जो एक्स टू और एक्स वन डिस्टेंस होंगे ये फॉर द मूवमेंट इन्फ्लुएंस लाइन होंगे, मूवमेंट की इन्फ्लुएंस लाइन अपनी होगी, शेयर की अपनी होगी। अब लेट्स से इस मेथड को हम अप्लाई करें, अब इस मेथड को हम अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स से हमारे लोड केस वन के ऊपर थे, हमने केस वन से केस टू की तरफ मूव किया है, केस वन पे हमारा वन के का लोड सी के ऊपर था, जब केस टू की तरफ आएंगे तो वन के का लोड जो होगा वो फाइव फीट जो होगा वो इस तरफ आएगा। इट मीन्स दैट के जब केस वन से केस टू की तरफ आएंगे, ये केस वन यहाँ पे ये था, तो ये जो वन के की फोर्स होगी ये एक जंप ऑब्जर्व करेगी, ठीक हो गया, 1k इंटू जंप आएगा प्लस 4k इंटू 4k, यहाँ पे ये इनकी एक स्लोपिंग लाइन होगी, तो यहाँ पे जो चेंज इन शियर होगी 1 इंटू जंप इन द लाइन, ठीक हो गया, ये होगा प्लस फिर ये जो लोड होंगे ये एक स्लोपिंग लाइन ऑब्जर्व करेंगे। तो केस 1 व्हेन मूव फ्रॉम 1 टू 2, 1 का मैग्नीट्यूड है, ये माइनस वन का उसने जंप ऑब्जर्व किया है, प्लस से माइनस में गया है, ठीक हो गया, तो टोटल मैग्नीट्यूड उसका माइनस होगा। फिर उसके अलावा जो सारे लोड्स होंगे, वन के का लोड प्लस फोर के का लोड प्लस फाइव के का लोड, ठीक हो गया, ये पी है,
वन प्लस फोर प्लस फाइव इंटू एस स्लोप जो है, ठीक हो गया। स्लोप यहाँ पे हम देखेंगे एस ओवर सॉरी वाई ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन होगा। अब यहाँ पे स्लोप अगर हम मेजर करना चाहें ये हमारा डिस्टेंस 10 फीट है, ये हमारा डिस्टेंस 40 फीट है, यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो 0.75 है। तो x s जो होगा दैट विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1, हम उसको यहाँ पे y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y ओवर x2 माइनस x1 होगा। या s विल बी इक्वल टू y की वैल्यू यहाँ पे 0.75 है और x2 40 फीट है, x1 10 फीट है, क्योंकि 40 फीट और 10 फीट, तो यहां पे सिंपली हमें s की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारी उसने यहां पे भी कैलकुलेट की हुई है, तो s यहां पे स्लोप जो होगी 0.025 होगी, इंटू डिस्टेंस कितना डिस्टेंस इन्होंने मूव किया है, जब हमने 1k का लोड मूव कराया है और 4k का लोड हम पॉइंट सी के ऊपर लेके आए हैं, तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस 5 फीट था। इट मींस दैट के 4k को सी पॉइंट के ऊपर लाने के लिए हम उसको 5 फीट मूव कराएंगे, तो लोड इनटू स्लोप इनटू डिस्टेंस ठीक हो गया 5। तो ये हमारे पास चेंज इन शियर है जब हम 1 से 2 की तरफ गए हैं। इसी तरह हम चेंज इन शियर नोट करेंगे जब हम 2 से 3 की तरफ जाएंगे। अब ये केस टू है, केस टू में 4k का लोड जब केस थ्री पे मूव करेगा तो ये 4k का लोड यहाँ पे जंप ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। ये लोड यहाँ पे अब खड़ा है, इस पॉइंट के ऊपर खड़ा है, जैसे ही ये लोड इस तरफ आएगा यहाँ पे जंप होगा। इट मींस दैट के 4 इंटू जंप